भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के 16वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी एक ही बात कह रहे हैं भगवान को कि आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। और फिर जो सिद्धांत बोल रहे हैं कि जैसे माता अपने गर्भगत बच्चे के हाथ पाँव के हिलाने को लात नहीं मानती है, घूंसा नहीं मानती है, ऐसे आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। तो अब सिद्धांत केवल एक ही स्थापित कर रहे हैं कि मैं आपके उदर में हूँ, मैं आपके पेट में हूँ और आप मेरे माता पिता सब कुछ हैं। तो उसके लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं, सोलवा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। अत्रैव माया धमनावतारे हय अस्यः प्रपचन प्रपंचस्य बहिस्पृष्टयस्य स्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्त्र जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। ब्रह्मा जी इस श्लोक में कहते हैं आपका अवतार माता और माया का दमन करने के लिए है। माया को का दमन करना, माया को अपने वश में रखना, उसके लिए आपका अवतार है। तो ये जो परपंच है, माया है, ये आपकी तो सेविका ही है। ये जो बाहर दिख रहा है सारा जगत, ये सब आपका है, आपकी माया है। और इस सारे जगत को आपने अपने पेट में अपनी माता यशोदा को नहीं दिखाया था, मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था ना, तो वो माया नहीं थी तो और क्या था। जो ब्रह्मांड आपने अपनी माता को दिखाया अपने पेट में, वो क्या था? वो यही तो जगत था। ये माया का नाश करने वाले प्रभु दामना माया, माया को नाश करने वाले प्रभु इसी श्री कृष्ण अवतार में, अभी कहते हैं इसी श्री कृष्ण अवतार में आपने बाहर दिखने वाले संपूर्ण परपंच को अपने पेट में अपनी माता को दिखाया, दिखा दिया। दो बार यशोदा मैया ने एक बार स्तनपान कराते हुए, जमाई लेते हुए कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा, और एक बार तो मट्टी खाने का जब भगवान ने लीला किया तो कान से पकड़ के मुंह खोलने को कहा, तब भी तो ये ब्रह्मांड देखा था। इसी से यही स्पष्ट होता है कि ये संपूर्ण परपंच आपकी माया है, आप इसके स्वामी हो। यदि ये जल आदि प्रपंच मतलब पांच भूत सारे, हरे कृष्ण जल आदि परपंच, ओ हरि बोल पानी दो, तो सारी जल आदि परपंच सत्य होती तब तो उससे आपका परिच्छेद होता। परिच्छेद होने का मतलब है परिसीमित, ये आपसे अलग तो है, ये आपकी माया है,
किंतु ये आपकी माया का विलास है, इस बात को आपने ही स्पष्ट कर दिया है। इस बात को तीन श्लोकों से बतलाया गया है, ये और दो और। हे माया धमन, इसका मतलब हे माया को नाश करने वाले, हे माया धमन, माया के विनष्ट करने वाले, माया को विनष्ट करने वाले वो बशीरवा, भगवान श्री कृष्ण अवतार में ही आपने अपने पेट के भीतर संपूर्ण विश्व को, अपनी माता को दिखाकर जगत के मायात्व को अपने ही आपने ही सिद्ध कर दिया। तो आपकी माया है, आपने दिखाई थी अपनी माता को, ये श्लोक का भाव है। और अपने आचार्य इसका भाव ये लिखते हैं, इसी अवतार में भगवान आप मायापति है ये आपने सिद्ध कर दिया। अभी आप इस जगत में दिख रहे हो, परंतु ये पूरा जगत तो आपने अपनी माता को अपने मुख में दिखा दिया, कहते हैं पेट में दिखा दिया, उसका मतलब मुख में दिखा दिया। तो ब्रह्मा यहां भगवान की जो अचिंत्य संकल्प शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये उदाहरण चक्रवर्ती पाद ने दिया है, जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यहां दिया है। वो उदाहरण ये है, हमारे घर में कोई बर्तन तो हो सकता है, एक पेटी घर में पड़ी है, अलमारी पड़ी है, ये तो ठीक है, घर में अलमारी होना ये तो ठीक है, लेकिन अलमारी में घर होना ये तो संभव नहीं है ना। आप इस जगत में है ये तो ठीक है, लेकिन ये जगत आप में है ये कैसे हो गया? बर्तन घर में होना संभव है, लेकिन बर्तन में घर कैसे आ गया? तो ये आपकी अचिंत्य शक्ति है भगवान। आप जगत में प्रकट भी होते हैं और इस जगत से बाहर भी रहते हैं, और ये जगत को अपने अंदर समा के भी रखते हैं। तो माता यशोदा ने जिस जगत को भगवान के उदर में देखा, तो क्या वो दूसरा जगत था? वो कोई माया का जगत था? जो बाहर था वो दूसरा था, अंदर था वो दूसरा था? ब्रह्मा जी कहते ऐसे नहीं हो सकता है। आप माया दमन हो, माया आपके बस में है, और उसने अपनी माया से अपनी माता को योग माया से विमोहित कर दिया और अपने ही उदर में सब ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ये है मायात्वम, ये भगवान की माया है, जो योग माया जो है भक्तों को लीला के लिए भ्रमित करती है, और महामाया है वो संसारियों को मोहित करती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये कहना कि नारायण जल में शयन करते हैं और जगत को अपने उदर में रखते हैं, ये तो एक दूसरे के विरुद्ध लिख रहा है, दिख रहा है। जिस जल के ऊपर सोए हुए हैं, अगर वो भौतिक जल है तो उस जल को पेट में कैसे रखेंगे, दुनिया को पेट में कैसे रखेंगे? और तब ये उदाहरण देते हैं कि बर्तन घर में हो सकता है, लेकिन घर बर्तन में कैसे आ जाएगा? कोई कह सकता है कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, नारायण आध्यात्मिक है, और ये जो माया है और ये माया का जगत है वो उनके अंदर है, लेकिन जो बाहर है वो वास्तव में जगत है, ऐसे कोई कह सकता है? कहते अगर ऐसे होता तो फिर ब्रह्मा भगवान के उदर में कैसे होते? एक सच्चा होता और एक माया का होता तो फिर भगवान के उदर से कैसे माया ब्रह्मा प्रकट होते? इसका मतलब दोनों वास्तविक है।
इस बात को स्थापित करने के लिए कि जो जगत भगवान के उदर में है वही जगत बाहर है, ये बात स्थापित करके ब्रह्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके उदर में था, अभी भी हूं, इसलिए मैं आपका बच्चा हूं और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मायापति, ये बाहर का जगत भी आप में समाया हुआ है, आपके उदर में समाया हुआ है, जो आपने माता यशोदा को दिखाया और आपने अपनी योग माया से दिखाया, जो बाहर था वही अंदर था, ऐसे ही मैं भी आपके उदर में हूं और इसी से बाहर निकला हूं। तो फिर आप तो मेरी माता हुई ना, तो फिर मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं जैसे जल वास्तविक था, उसके ऊपर भगवान सोए हुए थे क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ था इसलिए वास्तविक था, तो ये होल ये पूरा जगत भी तो वास्तविक है, तो फिर क्या ये शास्त्र के विरुद्ध बात हो जाएगी? ये जगत माया है, माया तो है। इनका दो श्लोकों में वर्णन किया गया, आप इस जगत में माया पति के रूप में, माया दमन के रूप में प्रकट हुए हो, माया दमना, और जो चीज आपके साथ जुड़ी हुई है वो भी माया से परे है, क्योंकि आप माया के स्वामी हो, तो ना आपको माया छू सकती है, ना जो आपके संगी साथी, आपके पार्षद, आपके शुद्ध भक्त हैं, उनको भी माया नहीं छू सकती। जो आपके अवतार की पूजा करते हैं वो भी माया से दूर है। आप अवतार के रूप में आए हैं हे मायापति, निश्चित रूप से इस माया को आपने प्रकट किया है, आप प्रकृति कृतम, आपने इस पूरे जगत को अपने अंदर भी दिखा दिया। यशोदा मैया ने जगत को आपके अंदर देखा, वो भी वास्तविक था, परंतु वो कह रही थी कि पता नहीं मैं सोपन देख रही हूं, पता नहीं कोई जादू है, पता नहीं किसी माया का प्रभाव है, ऐसे वो निर्णय नहीं कर पा रही थी यशोदा स्वयं। बाहर का जगत तो था ही, वो समझा कि अंदर का जगत झूठा है, और ये माया उन्होंने जनन्या, उस माया उस अपनी माता ने नंद बाबा और सब कुछ दिखाया, और ऐसे पहले भी जननी के मुख में भगवान ने जमाई लेते हुए ब्रह्मांड को दिखाया था, यशोदा ने देखा था। और दूसरा, ब्रह्मा भी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है विशेष रूप से, अब तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अंदर और बाहर दोनों जगह देख लिया। आगे श्लोक आएगा, अकेला देखा, फिर बहुत से बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में देखा, फिर चतुर्भुज रूप में देखा, तो ब्रह्मा जी को भी अनुभूति हो गई। जैसे आपने माता को बाहर भी जगत दिखाया, अंदर दिखाया, ऐसे मैंने भी देखा। आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्य कुक्षाव इदं सर्वं सातमं भाति यथा तथा ततत्वयः अपीह ततसर्वं किम इदं मायया बिना। बिना आपकी अचिंत्य शक्ति माया के जो जगत आपने अपनी माता को अपने पेट में दिखाया, कुक्षी में दिखाया, ये सारे का सारा, उसमें आप भी अंदर दिख रहे थे, आप बाहर यशोदा कान से पकड़ के देख रही थी और आपके मुख में भी आपको देख रही थी कि यशोदा उसको पकड़ के बैठी है, और नंद भवन भी दिख रहा था, जमुना जी भी दिख रही थी, तो ये क्या प्रतिबिंब है? तो आईने के अंदर आईने का प्रतिबिंब तो नहीं देखा जा सकता है, तो ये आपकी माया के बिना कैसे हो सकता है?
इस श्लोक का भाव है जिस आपके उदर में जड़ चेतनात्मिक जगत जैसा है वैसा ही दिखाई दिया, तब क्या ये सब आपकी माया के ही बिना दिखाई दिया? ऐसे तो नहीं हो सकता है। यदि कहें कि बाहर सत्य ही ये विश्व पेट में प्रतिबिंब होता है, अगर ऐसे कहें कि बाहर का जगत पेट में इसका प्रतिबिंब हो रहा था, अतएव इसको पूर्ण रूप से माया कहा जा सकता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो तो माया ही है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य इत्यादि श्लोक कहते हैं, आपकी कुक्षी में जैसा ये है वह बाहर भी परमपंच वैसा ही प्रतीत होता है, किंचन आत्मा युक्त ये संपूर्ण आपकी माया के बिना कैसे समन्वित हो सकता है? कहने का भाव ये है कि जगत आपके पेट में प्रतिबिंबित होता तो फिर बाहर ये उल्टा दिखता, किंतु ऐसा नहीं प्रतीत हुआ। इसका ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं, जब हम किसी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो उल्टा होता है, सीधा हाथ उल्टे हाथ की तरफ जाता है, तो ये उल्टा तो नहीं दिख रहा था बाहर का जगत, ना अंदर वाला उल्टा दिख रहा था। ये बहुत बड़ी तर्क, बहुत अच्छा तर्क है। जब कोई चीज प्रतिबिंबित होती है तो वो उल्टी दिखती है, सीधा तरफ उल्टे तरफ, उल्टा तरफ सीधे तरफ हो जाता है। परंतु आपका तो ये जगत, अगर आपका प्रतिबिंब होता तो ऐसे नहीं दिखता, और फिर उस जगत में आप कैसे दिखते? आप ही तो दिखा रहे थे। किंचन दर्पण स्थानीय आपके भीतर ये प्रतीत नहीं होता, अतएव ये पूर्ण रूप से मिथ्या ही है, ये सब आपकी माया है। नहीं तो ये अगर दूसरी कोई चीज होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरी चीज नहीं है, ये यही है जो आपने दोनों जगह पे दिखाया है। इसको संक्षेप में लिखा है, पूरा जगत आप सहित श्री कृष्ण माता को अपने उदर में आपने दिखाया और वही बाहर दिख रहा था, ऐसा संभव आपकी माया के बिना कैसे हो सकता है? या आपकी अचिंत्य शक्ति के बिना, आपकी संकल्प शक्ति के बिना, आपकी योग माया के बिना कैसे संभव है? श्री प्रभुपाद परम पुरुष कृष्ण में इस श्लोक के इस जगह पे लिखते हैं, ब्रह्मा यहां बल देकर कह रहे हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति का अगर सहारा नहीं लें तो इन बातों को समझ नहीं सकते हैं कि एक अंदर पेट में एक बाहर दो जगत कैसे हो सकते हैं, और एक का दूसरा प्रतिबंध होता तो उल्टा होना चाहिए, उल्टा भी तो नहीं था। तो ये वास्तव में आपकी अचिंत्य शक्ति है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, बाहर का जगत और भगवान के पेट का जगत दोनों एक ही थे, इसी जगत को दिखाया था भगवान ने, यही वृंदावन भी उसमें दिखाया, नंद बाबा का महल भी दिखाया, यशोदा पकड़ के खड़ी है वो भी दिखाया, मुंह खुला हुआ कृष्ण का है वो कृष्ण भी खड़ा है वो भी देखा। तो इसका अर्थ है, तो जब दोनों एक जैसे हैं तो उनमें से एक तो वास्तव में होगा और एक उसका प्रतिबिंब होगा, ऐसे मानना चाहिए। ये आपकी माया ने ऐसे किया होगा। जैसे ये यूनिवर्स इदम, जैसे ये जगत इदम आपके उदर में था तभी बाहर का जगत भी तो दिख रहा था, तो माता ने बाहर भी देखा, अंदर भी, जमुना बहती हुई देखा, जमुना आपके पेट में भी देखी बह रही है, तो क्या पेट में दिखने वाला इसका प्रतिबिंब था, बाहर वाले जगत का प्रतिबिंब था? कैसे हो सकता है? अगर ऐसे होता तो आप कैसे उसमें दिखते?
तो क्या दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा क्या? नहीं, दर्पण अपने अंदर अपना प्रतिबिंब कैसे दिखाएगा? हमारा दिखा सकता है लेकिन दर्पण का कैसे दिखाएगा? आपके उदर में भी वही जगत, माया का जगत दिख रहा था और उसमें आप भी दिख रहे थे और बाहर भी आप थे, दोनों में एक रत्ती मात्र भी अंतर नहीं था, दोनों जगत एक जैसे थे। ये बिना आपकी योग माया से कैसे हो सकता है? दो जगत कैसे दिख सकते हैं? आपकी मां माता की अनुभूति और मेरी अभी अनुभूति है, अनुभूति जो मैंने अभी देखा है आपका, ये चमत्कार, ये इस बात का प्रमाण है और मैं निर्णय से कह सकता हूं अपने आपकी योग माया के द्वारा आप अंदर बाहर सर्वत्र हो सकते हो। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं और जैसे गर्भगत बच्चे को उसके हाथ पांव हिलाने को माता अपराध नहीं मानती है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये माया की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब ये आगे कशरों के एक और पढ़ते हैं। अद्यैव त्वदर्ते, बोला यशोदा की बात को छोड़ो, वो तो पुरानी हो गई, आज मैंने मेरे आंखों से जो देखा है उसकी बात कर रहा हूं। अद्य को कहते हैं अभी, अभी की बात है, आज। अद्यैव त्वदर्ते अस्यः किम मम नते माया त्वम् आदर्शितम्। एको असी प्रथमं ततो, आपकी इस माया का तो मैंने अभी दर्शन कर लिया। एको अपि प्रथमं, पहले तो आप अकेले खड़े थे यहां। ततो वृज्जः सुहृद वत्साः समस्तापि, और उसके बाद सारे ब्रज के ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई दिए। तावन तो असी चतुर्भुजा, और उसके उपरांत वो सारे बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज हो गए। तद अखिल ही साकम मायोपासितास, तो ये सब कैसे हुआ? ये आपकी योग माया नहीं थी तो और क्या था? तावंत एव जगन जगंत अभोस्तदा अमितम ब्रह्माद्वयम् शिष्यते। ये तो ऐसे लगता था चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि इसके तात्पर्य दो ही लाइन लिखी है जो वेदों में कहा है, सर्व खल्व इदम ब्रह्म, जो दिखता है वो सब ब्रह्म है। ये तो उसका वास्तविक प्रमाण है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है अद्यैव, ये जो आज ही आपने मेरे समक्ष अपने से भिन्न संपूर्ण विश्व को, अपनी विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया, अभी दिखाया है आपने। पहले आप अकेले थे, फिर आप ग्वाल बाल बछड़े छड़ी छीके भी आप ही हो गए, जो लाठी थी जो टिफन थे हो गए। उसके पश्चात मैंने देखा कि आपके सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सभी तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। जब चतुर्भुज हुए तो मैं भी उनकी पूजा कर रहा था और सब पूजा कर रहे थे। आपने अलग अलग उतने ब्रह्मांड का रूप भी धारण कर लिया, किंतु इस समय आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप ही रह गए। इसका अनुवाद लिखा है श्रीधर स्वामी ने, और केवल अपनी माता को ही नहीं बल्कि मुझे भी उसी तरह से आपने दिखाया। इस बात को ब्रह्मा जी ने इस श्लोक से कहा है। आपको छोड़कर
ये सारा विश्व माया है। इस बात को आपने आज ही मुझे नहीं दिखाया है क्या? आपने दिखाया ही है। इस बात को ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे हैं। इसके पश्चात मैं तथा मेरे साथ सभी तत्वों के द्वारा उतने चतुर्भुज बने हुए जो आपके ग्वाल बाल और बछड़े थे उनकी उपासना की जाती तथा जिनको पहले नहीं कहा गया है उन सभी ब्रह्मांडों को मैंने देखा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये सब लीला दिखाई। ये ब्रह्मा जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, आज ही आपने अपने आप को और सारी सृष्टि को जिसका सर्जन हुआ है वो आपकी अचिंत्य माया के द्वारा दर्शन कराया। पहले आप अकेले थे, फिर आप वृंदावन के बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और फिर उतने ही जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे उतने सब चतुर्भुज हो गए और उनकी सब मेरे सहित सभी पूजा करने लगे, और फिर उसके उपरांत उतने ही सारे आप ब्रह्मांड हो गए, और अंत में आप अपने इस अनंत परम सत्य रूप में प्रकट हुए जो अद्वितीय है, दो है नहीं, एक ही है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, वेदों में लिखा है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिखता है वो सब ब्रह्म है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त है वो माया है। तो जो भी हमको दिखता है वो क्या है? भगवान की या तो बाहरंग शक्ति है या अंतरंग शक्ति है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण की अहितु की कृपा से ब्रह्मा जी को ये व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, और जो भगवान का अंश है वो भगवान से भिन्न है, भिन्न नहीं है। जो आपने अपनी माता को बाहर को जग बाहर के जगत को दिखाते हुए अपने उदर में भी जगत दिखाया है, और फिर उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड भी दिखाए, और मैं ये भी जानता हूं कारण दक्षाय विष्णु के रूप में आपके रोम कोपों से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं, वो सब मायक हैं, ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। पर आज मैंने जो देखा है, मेरी ये अनुभूति है कि हजारों हजारों आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत नहीं, वो तो कारण दक्षाई के रोम कोपों से निकलते हैं, पर हजारों हजारों आध्यात्मिक जगत आपकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा मैंने यहां प्रकट होते हुए आपकी स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हुए देखा। तो कौन सी चीज है जो आपसे स्वतंत्र है? सभी कुछ तो आपके अधीन है। ये अनंत हजारों हजारों या कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है ये सब आपके अधीन है। ये सत्य आज नहीं मैंने देखा, सब कुछ आपसे निकला, आपने ही तो बनाए सब बछड़े, आपने ही बन गए चतुर्भुज, आप बन गए ग्वाल बाल, ये कैसे संभव है? आपने केवल मेरे को कोटि ब्रह्मांड भौतिक है उनका दर्शन नहीं कराया, पर वो आपके ऊपर आश्रित है और आप पूर्ण रूप से चिन्मय ब्रह्म है अथवा परम सत्य है अथवा आध्यात्मिक है, ये भी आपने अनुभूति कराई। कैसे? पहले आप अकेले दिखाई दिए, फिर आपने अपनी स्वरूप शक्ति से अपने आप को जितने ग्वाल बाल थे जितने बछड़े थे उतने प्रकट करके दिखा दिया, और उतनी लाखों लकुटियां उतने छीके और सब कुछ उतने का उतना बना के दिखाया। तो इन दोनों में क्या अंतर था? ये कैसे रूप थे? क्या माया के थे? माया के नहीं हो सकते, ये तो आपके स्वरूप शक्ति से आ, और फिर वो चतुर्भुज रूप हो गए और मेरे सहित सभी उनकी पूजा करने लग गए।
ये सब योग माया ने आपकी इच्छा से करके दिखाया। कभी दिखाते हैं, कभी योग माया छुपा देती है, परंतु आपका रूप तो एक अदिव्य है और वही परम ब्रह्म है, वही अनंत है, वही असीम है, परम सुंदर है, अतुलनीय है। आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे हित के लिए आपने ये मुझे दर्शन कराया, अपने आप को प्रकाशित करके दिखाया। आपकी योग माया से नहीं तो ये ढका होता है, कोई देख नहीं पाता है। यशोदा की बात को छोड़ो, आज की बात मैं कह रहा हूं। जीवा गोस्वामी कहते हैं आपने मुझे ही सब ये खेल खेल में दिखा दिया। श्लोक दिए हैं जो जो भागवत में श्लोक हैं कि पहले ब्रह्मा जब देख रहे थे बछड़ों को तो सब श्याम सुंदर रंग के हो गए, पीला पीतांबर सबके ऊपर प्रकट हो गया। तो ये सब अभी अभी ब्रह्मा जी ने देखा है। और फिर ब्रह्मा और अन्य सारे देवता भी उन चतुर्भुज रूपों का पूजन करने लगे। ये श्लोक है, पूरा दिया हुआ है। और काल स्वरूप और फिर उससे जो विकार होते हैं, इच्छा, कर्म, गुण, नाम, रूप, ये सब के सब आपके विष्णु रूप की पूजा कर रहे हैं। ये भी 13वें अध्याय का श्लोक है। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुण आदि भी स्वमही ध्वस्त मही भी मूर्ति मद भी उपासिता। ये सब के सब आपकी उपासना कर रहे थे। भगवान को भगवान ही भगवान की पूजा कर रहे थे। आपके इस रूप की पूजा आपके ही ग्वाल बाल के रूपों में जो बछड़े और वो थे वो कर रहे थे। और चतुर्भुज विष्णु जो थे वो भी थे, उसी में थे। ये सब आप ही थे, और कौन था? मैंने जो देखा श्री कृष्ण सारे बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज थे। क्या ये माया है या माया से कौन क्या है? ये आप ही परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। ये ब्रह्म से परे है। ब्रह्माद्वयम् शिष्यते मीन्स इसका अर्थ है जिसको शास्त्रों में ब्रह्म कहा जाता है वो आपके सामने उसकी तुलना नहीं की जाती। आप उससे भी महान है। और इसका वर्णन है स्थानंतो अपि परेशोद्भव लिंगम सर्वत्र ही। भगवान एक समय दो जगह में होते हैं फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब एक जैसा होता है। ये ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्मा स्वयं कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितना भाग्यशाली है नंद बाबा, कितने भाग्यशाली हैं ये ग्वाल बाल और सारे ब्रजवासी। इनके भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि परम ब्रह्म ब्रह्म सनातन पूर्णम ब्रह्म सनातनम परमानंदम उनका मित्र है, उनके साथ खेल रहा है, खा रहा है। ये एक पूरा दम है। परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम चार विशेषण है ब्रह्म के। भले जगत माया का बना हो परंतु आप और आपके भक्त माया से परे हैं। ये मैंने आज देखा। वो जो बछड़े और ग्वाल बाल आपने अपने चतुर्भुज रूप से बनाए थे वो माया नहीं था, वो आपका आपका ही अपना विस्तार था। और बड़े
गौरव के साथ ब्रह्मा कह रहा है, मेरे को भी आज अनुभूति इस बात की हो गई, आपने आज ही मुझे ये चमत्कार दिखाया। इस श्लोक का पाठ करके आज रखते हैं। अजानन्तां त्वद पदवीं अनात्मनय आत्मात्मना भासी विततयो मायां सृष्टा इवाहं जगतो विधान इव त्वमेशो अंत इव तीर त्रयी नेत्रः। अजानन्तां, जो नहीं जानते हैं, त्वद पदवीम, आपके दिव्य स्थिति को आप अथवा आपके दिव्य स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, अनात्मनि, जो भौतिक जगत में है, आत्मा आपको, आत्मना आपके द्वारा भासी, जब आप भासते हो, प्रकट होते हो, वितत्तया जब आप विस्तृत होते हो, मायाम आपकी अपनी माया के द्वारा, अचिंत्य शक्ति के द्वारा, सृष्टाओ तब सृष्टि होती है, सृष्टि के लिए। इस प्रकार अहम, मैं, ब्रह्मा, जगत और ये जगत, विधान है इसका पालन करना, एव त्वम एष, आप भगवान, अंते और जब इसका संहार होता है, त्रिनेत्र कौन करता है? त्रिनेत्र करता है संहार, कौन करता है? ब्रह्मा जी करता है। अब शंकर जी करते हैं, त्रिनेत्र है शंकर। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पालन करते हैं, मैं सृष्टि करता हूं और शंकर जी संहार करते हैं, लोग इसको नहीं जानते हैं। तो इसका अनुवाद हम सिद्ध स्वामी का आज पढ़ते हैं और आगे का कथा कल करेंगे। थोड़ा सा लोड ज्यादा है आज। जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, उन लोगों पर ही आप माया का पर्दा डालकर प्रकृति में स्थित जीव रूप से प्रतीत होते हैं। किंचन जगत की सृष्टि के समय आप मुझ ब्रह्मा के रूप में, पालन के समय स्वयं विष्णु के रूप में तथा संहार के समय शंकर जी के रूप में प्रतीत होते हैं। ये सब आपका ही विलास है, अज्ञानी ये नहीं जानते। यदि आप कहें कि हे ब्रह्म, आपको मैंने शुद्ध चैतन्य ही दिखाया है, परपंच के समान माया क्यों कहते हैं आप, तो ठीक है, किंतु अद्वितीय आप में नानात्व गुण अवतार तथा मत्स्य आदि अवतारों के समान कार्य वशात स्वतंत्र माया के कारण ही प्रतीत होते। इस बात को ब्रह्मा जी ने अजानंतम इत्यादि दो श्लोकों से कहा है, एक ये और एक और। जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, जड़ा प्रकृति में स्थित होकर आत्मा रूप आप अपने से ही अपनी माया का विस्तार करके प्रतीत होते हैं। प्रश्न है कि कैसा प्रतीत होते हैं? तो इस पर कहते हैं कि जगत की सृष्टि के समय मुझ ब्रह्मा का समान, जगत की रक्षा के समय आप विष्णु भगवान के समान तथा जगत के संहार के समय शंकर जी के समान प्रतीत होते हैं। तो आप श्री कृष्ण, ये आप ही इन गुण अवतारों में परिवर्तित होते हैं। जगत में लोग ये बात नहीं जानते हैं और मैं इस बात को जान गया हूं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरि बोल। तो आज पहला सिद्धांत हमने ये समझा, ब्रह्मा जी ने जगत बाहर है, जगत भगवान के अंदर है, इससे केवल एक ही बात सिद्ध की कि मैं आपके अंदर हूं और आपका हूं और आप मेरे माता हो, पिता हो, इसलिए मुझे क्षमा कर दो।
तो हम सब भी भगवान के बालक हैं, ब्रह्मा जी के समान। ब्रह्मा जी साक्षात अपने आप को मान रहे हैं और हम नहीं मान पा रहे हैं। जब हम मान लेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान का ही शरण ले लेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और भगवान कितने विस्तार होते हैं, जगत के सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो भी अपने अपने आप को विस्तृत इन रूपों में करके ये कार्य करते हैं। इनमें से ब्रह्मा तो जीव तत्व है, भगवान विष्णु जो पालन करते हैं वो विष्णु तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है। और शंकर जी संहार करते हैं, वो जीव तत्व भी नहीं है, विष्णु तत्व भी नहीं है, वो एक विशेष तत्व है जो केवल सृष्टि के संहार का कार्य करते हैं। तो ये तीन तत्व हैं, परंतु ये सभी भगवान का अपना ही विस्तार है। तो आज इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कोई प्रश्न आपका नहीं है तो कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।